Hey guys, welcome to Business Zest. ये स्टार्टअप प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। यानी कि मैंने सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आया हूँ और पहला वीडियो बना दिया हूँ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। ये पार्ट वन है, इसके बाद आने वाला है पार्ट टू, वो भी देखना और मेक श्योर करना कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 8 और वीडियोज आने वाले, जैसे कि रजिस्टर करना कंपनी को, फंडिंग कहाँ से लाए, टीम कहाँ से बनाए, फिर को फाउंडर कैसे लाए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर है ना वीडियो बनने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो गाइज हम बढ़ते सीधा आज का इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपना स्टार्टअप बिगिन कर सकते हो। यार देखो, जब भी हमें लगता है ना कि हमारा जो ड्रीम्स है वो जॉब से फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब में है एक लिमिटेड पोटेंशियल अर्निंग का, लेकिन बिजनेस में कोई लिमिटेड पोटेंशियल नहीं है, अनलिमिटेड है यार, कितना भी कमा सकते हो। जैसा आपका बिजनेस चलेगा उतना आप कमाओगे। तो लोगों को लगता है कि अरे वाह, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस में बहुत पैसा है तो मैं बिजनेस करूंगा। बट यार ये सोच के आना बिजनेस में गलत है, वो आप माइंडसेट में बदलो। ये सोच के आओ कि मैं कौन सा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ लोगों के लाइफ में, कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता हूँ जो कि लोगों का लाइफ आसान कर दे। फेसबुक हुआ, पब्लिक को कनेक्ट किया, ओला उबर हुआ, ये टैक्सी का जो झंझट था ना उनको हटाया। ऐसा करने से आपका कंपनी तो बिल्ड हो गई, साथ में आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा। तो ये सब हम सीखने वाले हैं ये वीडियो में, तो मेक श्योर करना लास्ट तक बने रहना। और हाय गाइस, मायसेल्फ विलान यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस जस्ट। सीधा बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट टिप की ओर, जो कि है आइडिया। आइडिया सिम कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडिया यानी कि आपको बिजनेस करने के लिए ना एक पर्टिकुलर आइडिया चाहिए रहेगा कि आप किस चीज में बिजनेस करने वाले हो, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस। देखो बिजनेस दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करने वाला हूँ कि सर्विस बेस्ड बिजनेस करने वाला हूँ। देखो गाइस, आप जितना भी बड़े बड़े कंपनियां देख रहे हो आज के डेट में, जैसा कि रिलायंस हुआ, इंफोसिस हुआ, विप्रो हुआ, ओला उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितने भी कंपनियां आप देख रहे हो ना, वो सभी एक टाइम पे स्टार्टअप थे। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप स्टार्टअप के जर्नी में आ गए हो। और हाँ, नेवर कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन्स चैप्टर 10। यानी कि अभी स्टार्टअप करने आए हो, आपको प्रॉफिट होगा कुछ 10,000-20,000 ऐसा प्रॉफिट होगा, तो आपको लगेगा अरे यार मैं 10,000 करोड़ क्यों नहीं कमा रहा हूँ, 20,000 करोड़ क्यों नहीं कमा रहा हूँ अमेजोन जैसा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नेवर कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन्स चैप्टर 10, ये बात याद रखना। हम बढ़ते हैं ये टॉपिक पे जो कि है आइडिया। देखो आइडिया होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, ये तो बहुत जरूरी है यार। अगर आपका आइडिया किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा रहेगा ना, तो आप पैसा भी नहीं बना पाओगे। तो जितना बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, जितना बड़ा आप उसको सोल्यूशन दोगे, उतना बड़ा आप पैसा कमाने वाले हो। हम बात कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए जिसको अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि बिजनेस करने कैसे। तो मेन है ना, आप अपना एक आइडिया लेके आओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आपका आइडिया ना प्रेजेंट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, आगे आने वाले फ्यूचर के बेसिस पे होना चाहिए। देखो गाइस, अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस करना है तो आप प्रेजेंट टाइम को देख के अपना आइडिया सोचो। जैसे कि कोरोना आया तो वो प्रेजेंट टाइम में है, प्रेजेंट टाइम का अगर जिसको शॉर्ट टाइम बिजनेस करना है तो वो ये सब कर सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ी कंपनियां बनाने के जो 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल ऐसा चले, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने लगेगी, तब इलॉन मस्क ने सोचा कि हाँ मैं इलेक्ट्रिक कार्स बनाऊंगा। उसने सोचा कि मैं हाइपर लूप बना सकता हूँ, उसने सोचा कि मैं इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू दे सकता हूँ पूरे वर्ल्ड को, हर कोने में। तो ऐसा सोचो, मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप इलॉन मस्क जैसा सोचो, क्योंकि उसके पास पैसा था, कैपिटल थी, नॉलेज थी, तो उसने इन्वेस्ट किया। वो मार्स पे जाना चाहता है, उसके पास पैसा है तो जा सकता है, बट आपके पास लिमिटेड फंड है और उसी से आपको बिजनेस करना है ना। तो ये बात याद रखना कि आपकी आइडिया रिलायबल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। और गाइज, अपना आइडिया जब भी सोचोगे ना आप, तो ऐसा आइडिया सोचना जो कि स्केलेबल हो, मतलब आप बहुत जगह पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो वैसा आइडिया होना चाहिए। इस चीज पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि टीचर पहले कितने 60-120 ऐसे स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाता था, बट अनएकेडमी आया, वेदांतु आया, बाईजू आया, यानी इसमें तो एक टीचर 5,000-10,000 ऐसे बच्चे लोगों को पढ़ा रहा है, वो भी लाइव। इतने लोग, 10,000 लोग साथ में बैठ के लाइव पढ़ रहे, यानी कि पोटेंशियल देख रहे हो, मार्केट साइज देख रहे हो। तो ऐसा आइडिया सोचो कि जो स्केलेबल हो, समझे। सो गाइस, हम लोग बढ़ते हैं सेकंड टिप, नहीं टिप नहीं बोलना चाहूंगा मैं इसको, बोलना चाहता हूँ कि सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर, वो है इनिशियल फंड। आपको बिजनेस चालू करना है ना, तो आपको कुछ तो कैपिटल लेके चलना होगा, कुछ यानी कि 1 लाख 2 लाख जैसा आपका आइडिया हो, उस हिसाब से आपको अपना कैपिटल लेके चलना होगा।
क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, डायरेक्ट आप अपना पूरे कंपनी सेटअप करके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन चालू नहीं करने हैं, ये कभी गलती हो जाएगा, ये कभी मत करना। तो आपको ना पहला पायलट टेस्टिंग करना पड़ता है। अब ये पायलट टेस्टिंग क्या है? पायलट टेस्टिंग वो है यानी कि आप अपने प्रोडक्ट का छोटा सा यानी कि 10-20 पीसेस बनाओ और उसको मार्केट में ले जाके टेस्ट करो कि ये प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को चाहिए, कस्टमर का नीड है, कस्टमर की अर्जेंसी है, तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर ये खरीदेगा कि नहीं। तो गाइस पायलट टेस्टिंग करने के लिए भी ना आपको कैपिटल की जरूरत होगी। आपको पैसे कहाँ कहाँ चाहिए रहेगा उसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मैं सारे पॉइंट नहीं कवर करने वाला हूँ, मैं थोड़े से चीज बता रहा हूँ, बेसिक यानी कि वेबसाइट बनाने में, उसका डिजिटल मार्केटिंग करने में, अपने टीम को, अपने एम्प्लॉयज को पैसा देने में, ऐसे कुछ कुछ चीजों में ना आपके पैसे जाने वाले। तो इसलिए आपको कैपिटल रखना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं कि फंडिंग कहाँ से लाए। फंडिंग बेसिकली मिलता है हमें स्टार्टिंग में फ्रेंड से, फैमिली से, या तो हमने जो अर्न किया है जॉब से वो लगा के अपने को बिजनेस करना है। देखो फंडिंग कहाँ से लाए, फंडिंग कैसे लाए, इसके ऊपर एक और वीडियो आने वाला है जो कि 3rd-4th नंबर पे है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। 3rd टिप है यानी कि 3rd रिक्वायरमेंट है, वो है बिजनेस प्लान। यार बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्लान होना चाहिए आपका, रिटर्न प्लान होना चाहिए कि आप ऐसा ऐसा करोगे, आप टारगेट कस्टमर ये है, आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हो, ये आपका गोल है, ये आपका विजन है, इतना हमारा प्रॉफिट है, इतना हमारा प्रॉफिट का रेवेन्यू है, कितना कहां से प्रॉफिट लाओगे, ये सब लिखना है आपको बिजनेस प्लान में। बिजनेस प्लान कैसे बनाते इसके ऊपर भी ना वीडियो आने वाला है, यही प्लेलिस्ट में आपको सब मिलने वाला है, टेंशन मत लो, बस मेरे साथ जुड़े रहना। वो वीडियो आने को भी टाइम है, तो वो वीडियो आने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो बिजनेस प्लान में ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से आएगा, प्रॉफिट का सोर्स क्या क्या रहेगा, और हाँ कभी भी लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी कभी भी स्टार्टअप में मत अप्लाई करना। यानी कि कैसा, बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, जैसे कि रिलायंस जियो को ले लो, उसने बहुत सारा करोड़ रुपया फूका है, तब जाके जियो लॉस लीडिंग से प्रॉफिट लीडिंग अब बना है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है फूकने के लिए, जलाने के लिए इतना पैसा आप नहीं डाल सकते। तो लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी बड़े कंपनी के लिए, आप वो स्टार्टअप, तो आपको प्रॉफिट पे फोकस करना होगा। अगर आपका प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपको एक्सपांशन में तकलीफ होगी। तो आपका बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट आता रहे। और मेन बात, अगर आप किसी इन्वेस्टर को पिच करते हो ना, तो वो आपका बिजनेस प्लान देखेगा, मांगेगा, और 3-4 पेजेस का बिजनेस प्लान जितना भी आपको जरूरी है उतना बनाओ। लेकिन हाँ, आपको एक पेज पे अपना बिजनेस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो गाइस 4th रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के लिए, वो है रिसर्च। यानी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत रिसर्च करना है कि मेरा USP क्या रहेगा, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन मेरा क्या रहने वाला है, कि मैं अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या करूंगा जो मार्केट में हटके दिखे। फिर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना है, वो SWOT एनालिसिस का जानते हो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, SWOT एनालिसिस करना है। फिर आपको अपने कस्टमर को पहचानना है कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, वो क्यों खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट। आपको अपने आप को उस कस्टमर के जगह पे रख के सोचना है कि मैं अगर उसके जगह पे होता तो क्या ये प्रोडक्ट लेता, तो आपको आंसर मिलेगा। आपको ये भी रिसर्च करना पड़ेगा कि आप अपना प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में रखना चाहते हो, लग्जरी में कि मीडियम में कि पुअर कैटेगरी में रखना चाहते हो, ये भी रिसर्च करना पड़ेगा। फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप जिस मार्केट में एंटर करने वाले हो उसका टोटल मार्केट साइज कितना है, यानी कि कितना मैक्सिमम कमा सकते हो, वो भी करना पड़ेगा। अगर $1 billion इंडस्ट्री है तो उसमें आप बेझिझक जाओ। इन शॉर्ट ये सारा समरी मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस प्लान 5 ईयर के हिसाब से प्लान होना चाहिए। तो उसमें आपको लॉट ऑफ रिसर्च करना पड़ेगा, लॉट ऑफ कैपिटल देखना पड़ेगा कि कितना कैपिटल मेरा लगने वाला है, कितना प्रॉफिट आने वाला है, ये सब देखना पड़ेगा। और आपको 5 साल का प्लान बनाना होगा। ये 10 दिखा रहा हूं लेकिन 5 ही साल का प्लान बनाना है। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि 90% स्टार्टअप अपने पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं, तो आपको उस 90% के कैटेगरी में नहीं आना है, इसलिए प्रॉपर रिसर्च करना। गाइस 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, बिल्ड योर टीम। यानी कि आप बिजनेस अकेले नहीं कर सकते, आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ ना, आप सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर सकते, आपको 2-3 लोग को हायर करना पड़ेगा। हायर करो या तो साथ में काम करो, बात एक ही है। आप अपने co-founder, founder, ये सब तो डिसाइड तो हो गई। सबसे मेन बात, कभी भी अपने फैमिली मेंबर को ये सब मत बनाना, co-founder, founder मत बनाना। क्यों? क्योंकि आगे चल के बिजनेस में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड। तो आप चांसेस है कि आप अपना रिलेशन स्पॉइल कर सकते हो, खराब कर सकते हो।
तो अगर आपका बहुत कोई करीबी दोस्त है, बहुत कोई करीबी फैमिली मेंबर है, तो उसको बिजनेस में मत लाना। उनको चाहिए तो बोलो कि आप सेपरेट बिजनेस करो, और अगर आपको रिलेशन बचाना है तो ऐसा करो। देखो, स्टार्टिंग में आप पैसा तो दे नहीं सकते ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को, तो ऐसे लोग को हायर करो जो आपके स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट करना चाहे। तो ऐसे लोग को हायर करो और ऐसे लोग के साथ टीम बनाओ। सो गाइस, ये 5 रिक्वायरमेंट है जिसको अगर आपने कंप्लीट किया ना, तो आपका स्टार्टअप जर्नी चालू तो हो जाएगा। लेकिन आने वाला है सेकेंड पार्ट ये वीडियो का, तो वो भी ध्यान से देखना। उसके बाद में आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा, और उसको कैसे चलाना है वो सारा ये प्लेलिस्ट में आप सीखने वाले हो। तो मेक श्योर करना, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत अच्छा कंटेंट है, सब्सक्राइब कर दो। मेरे से सीख रहे हो, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरल स्पीकर से सीख रहे हो। तो गाइस, अगर कुछ सजेशन है यानी कि कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में डालना है आपको। और हाँ, ये वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको रिजर्व करके रखो। आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, बार बार लर्निंग चाहिए रहेगा, तो वो रिमाइंड करने के लिए मैंने एक PDF डिजाइन किया है और उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको जाके डाउनलोड कर लो, सेव कर लो। सो गाइज, माई सेल्फ राम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग ऑफ बिजनेस फेस्ट। बाय।